नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल यूके 24 न्यूज में स्वागत है। रंजिश में चाचा ने भतीजे को उतारा मौत के घाट, गिरफ्तार। जौलजीबी थाना क्षेत्र से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ छोटे से विवाद में चाचा ने भतीजे को धारदार हथियार से काट दिया, जिससे भतीजे की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद से पूरे गांव में दहशत का माहौल है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। महाशिवरात्रि पर तय हुई कपाट खुलने की तिथि, 25 अप्रैल को खुलेंगे बाबा केदार के द्वार। आज महाशिवरात्रि पर केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि घोषित हो गई है। 25 अप्रैल को प्रातः 6:20 पर बाबा केदारनाथ के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। ओंकारेश्वर मंदिर में सुबह 4 बजे से महाभिषेक पूजा शुरू हो गई। मंदिर के पुजारी शिवशंकर लिंग, बागेश लिंग, गंगाधर लिंग और शिवलिंग द्वारा गर्भगृह में धार्मिक परंपराओं के तहत सभी पूजा अर्चना की गई। धारचूला में 200 मीटर गहरी खाई में गिरी जीप, एक की मौत। सीमांत क्षेत्र धारचूला में जीप के खाई में गिरने की सूचना मिली है। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हो गए हैं। घायलों को पास के हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां उनकी गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर पिथौरागढ़ भेज दिया गया। कांग्रेस सरकार की सुबुद्धि के लिए किया शिवालयों में जलाभिषेक। उत्तराखंड भर्ती घोटाला, पेपर लीक और बेरोजगारों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में आज महाशिवरात्रि पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश भर के शिवालय में सरकार सद्बुद्धि के लिए शिवालयों में जलाभिषेक किया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने धार्मिक सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। फाइलों के चक्कर में अधर में लटकी भर्तियां तो खैर नहीं, सीएम धामी ने दिया अल्टीमेटम। उत्तराखंड में कई बार ऐसा देखने को मिला है कि शासन और प्रशासन में बैठे अधिकारी अपने आप को सरकार से ऊपर समझते हैं। अधिकारियों के इसी रवैये से मुख्यमंत्री धामी इन दिनों खफा चल रहे हैं। उन्होंने मुख्य सचिव को काम में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को चिन्हित करने और उन पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री के इस निर्देश के बाद कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। कमलेश्वर महादेव में भगवान राम ने शिव को चढ़ाया था नेत्र, श्री कृष्ण को हुई थी पुत्र की प्राप्ति। महाशिवरात्रि के मौके पर आज हम आपको उत्तराखंड के कमलेश्वर महादेव की मान्यताओं के बारे में बताते हैं, जहां के बारे में कहा जाता है कि यहां कभी भगवान राम ने ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति पाने के लिए पूजा अर्चना की थी। भर्ती घोटाले को लेकर आपका सरकार पर हमला, लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर उतारेगी प्रत्याशी। मसूरी में आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयोजक ज्योत सिंह बिष्ट ने पार्टी कार्यनेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ आगामी चुनाव की तैयारी को लेकर बैठक की। इसी दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को नगर निगम और लोकसभा चुनाव को लेकर बूथ स्तर पर पार्टी मजबूत करने को कहा। वहीं उन्होंने उत्तराखंड में भर्ती घोटालों और पेपर लीक मामले को लेकर भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। शिव के रंग में रंगे लोग, प्रदेश के मंदिरों में लगी दर्शन को लाइन। शिवरात्रि पर्व पर कुमाऊं मंडल के मंदिरों में श्रद्धालुओं की खासी भीड़ देखने को मिली। सुबह से ही मंदिरों में भीड़ की वजह से लोग लाइनों में खड़े दिखाई दिए। रुद्रपुर, हल्द्वानी, काशीपुर और बागेश्वर से कुछ ही ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं, जहां श्रद्धालु पूजा के लिए अपनी बारी का इंतजार करते दिखाई दिए। 75 साल पहले बाढ़ से हुए विस्थापित, आज तक नहीं मिला वोटिंग का अधिकार। गढ़वाल मंडल आयुक्त सुशील कुमार ने तहसील निरीक्षण के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान भगवानपुर से कांग्रेस विधायक ममता राकेश भी कुछ लोगों के साथ वहां पर पहुंची और गढ़वाल मंडल आयुक्त सुशील कुमार से मुलाकात की। ममता राकेश ने उन्हें बताया कि उनके साथ जो लोग आए हैं, ये ग्रामीण ग्राम पंचायत चुनाव में वोट के अधिकार से वंचित रह गए थे, क्योंकि 1948 में बाढ़ के आने के दौरान कुछ परिवार विस्थापित हो गए थे। वहीं गढ़वाल मंडल आयुक्त ने जिलाधिकारी को इस मामले को लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया। धारचूला में 200 मीटर गहरी खाई में गिरी जीप, एक की मौत। सीमांत क्षेत्र धारचूला में जीप के खाई में गिरने की सूचना मिली है। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हो गए। घायलों को पास के हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां उनकी गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। महाशिवरात्रि पर सीएम ने बनखंडी महादेव मंदिर में मेले का किया शुभारंभ, नकल विरोधी कानून पर कही ये बात। सीएम पुष्कर सिंह धाम ने शिवरात्रि पर्व पर बनखंडी महादेव शिव मंदिर में लगने वाले मेले का शुभारंभ किया। साथ ही सीएम ने प्रदेशवासियों को शिवरात्रि पर्व की बधाइयां दी। इस मौके पर सीएम धाम ने कहा कि केदारनाथ यात्रा की तिथि घोषित कर दी गई है, यात्रा को लेकर सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। सरकारी नौकरी नहीं मिली तो इंजीनियर ने खोली चाय की दुकान, रोज की कमाई है इतनी। बढ़ती जनसंख्या के दौर में नौकरियां कम होती जा रही हैं। इसके बावजूद कई नौजवान ऐसे हैं जो निराश होने की जगह नई राह तलाश है, नई राह है स्वरोजगार की। उत्तराखंड के एक मैकेनिकल इंजीनियर ने चाय की दुकान खोलकर स्वरोजगार का नया अध्याय लिखा। सामाजिक कार्यकर्ता अभिनव थापर ने भर्ती घोटालों पर उठाए सवाल, स्वामी के ट्वीट का किया जिक्र। उत्तराखंड में भर्ती घोटालों को लेकर धामी सरकार पर लगातार हमले जारी हैं। इसी कड़ी में सामाजिक कार्यकर्ता अभिनव थापर ने भर्ती घोटालों को लेकर सीएम धामी पर हमला बोला है। उन्होंने उत्तराखंड में भर्ती घोटालों पर चिंता व्यक्त करते हुए कई सवाल उठाए हैं। स्टार्टअप उद्योग में टॉप 3 में पहुंचा उत्तराखंड का लक्ष्य, ऑनलाइन हुई ये पॉलिसी। उद्योग सचिव ने अपने विभाग से संबंधित पॉलिसियों के बारे में मीडिया को बताया। उद्योग सचिव पंकज वाणी ने कहा कि स्टार्टअप उद्योग में पिछली बार उत्तराखंड जहां टॉप 5 राज्यों में था, इस बार टॉप 3 का लक्ष्य रखा गया है। उद्योग सचिव ने कहा कि काफी शोध करने के बाद स्टार्टअप पॉलिसी में संशोधन कर स्टार्टअप पॉलिसी 2023 लाई गई है। हरिद्वार में अचानक आग धमका गजराज, कांवड़ियों में मचा हड़कंप। हरिद्वार में आए दिन हाथी रिहायशी इलाकों में आ रहे हैं, जिससे लोग खौफजदा हैं। वहीं बीते दिन में एक हाथी जंगल से कांगड़े गांव
से पहले पुल के पास अचानक का धमका, जिससे कांवड़ियों में खलबली मच गई। गनीमत रही कि पुलिस और वन विभाग की टीम पहले से ही मुस्तैद थी। गढ़वाल कमिश्नर ने लंबित मामले निपटाने के दिए निर्देश। रुड़की तहसील में किसान का हंगामा। शुक्रवार को गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार रुड़की तहसील का वार्षिक निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने तहसील के दस्तावेजों और अभिलेखों की जांच पड़ताल की, साथ ही कार्यों के निस्तारण के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। गढ़वाल कमिश्नर ने तहसील के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक भी की। कमिश्नर ने पेंडिंग पड़े कार्यों को जल्दी निस्तारण करने के निर्देश दिए। इस दौरान तहसील की व्यवस्थाएं चाक चौबंद रही। उत्तराखंड में 955 पदों पर खुलेगी भर्ती। फेल छात्रों को मिलेगा पास होने का मौका। उत्तराखंड में ब्लॉक सोर्स पर्सन और क्लस्टर रिसोर्स पर्सन के पदों पर आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से नियुक्तियां की जाएंगी। दरअसल बीआरपी और सीआरपी के करीब 955 खाली पद हैं, इनको आउटसोर्स के माध्यम से भरा जाना है। उधर दूसरी तरफ बोर्ड परीक्षाओं में सफल हुए छात्रों को एक विषय में अंक सुधार करने का मौका भी राज्य सरकार देने जा रही है। इसके लिए कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा। शिवालयों में उमड़ा भक्तों का सैलाब। तस्वीरों में देखे देवभूमि में कैसे हुआ भोले का महाअभिषेक। देवभूमि उत्तराखंड में रात से ही शिवालयों में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। भोलेनाथ की भक्ति में डूबे तो की लंबी कथा। जिलाभिषेक के लिए मंदिर के बाहर लगी है। महादेव को पंचामृत से स्नान कराने के साथ ही बिल्व पत्र भांग धतूरा फल फूल आदि चढ़ाकर भोलेनाथ प्रसन्न किया जा रहा है। श्रद्धालु आज पुण्य का लाभ ले रहे हैं। प्रत्येक वर्ष फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की 14 तिथि को महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। इस बार तिथि की शुरुआत 18 फरवरी को शाम 5:55 से होगा और अगले दिन 19 फरवरी को सुबह 3:32 पर समापन होगा। हर की पैड़ी पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। जलाभिषेक को मंदिरों में उमड़ने लगी भीड़। महाशिवरात्रि का पावन पर्व आज शनिवार को मनाया जाएगा। सुबह 4 से हर की पैड़ी व आसपास घाटों का स्नान शुरू हो गया। शाम तक घाटों पर स्नान चलेगा। पर्व स्नानों पर लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने की संभावना है। वहीं प्रदेश भर के मंदिरों में भी तड़के से ही जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई है। भर्तियों पर अध्याचन लटकाए तो होगी सख्त कार्रवाई। मुख्य सचिव लेंगे बैठक, अफसरों के कसेंगे पेच। सरकारी भर्तियों की राह में रोड़ा अटकाने वाले विभागों के अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुछ भर्तियों के अध्याचन में कमियां होने की वजह से आयोग की ओर से लौटाने का संज्ञान लेते हुए शुक्रवार को यह निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि अब मुख्य सचिव सभी विभागों की बैठक बुलाकर अफसरों के पेच कसेंगे। मुख्यमंत्री ने पेपर लीक प्रकरणों के बाद अटके भर्तियों में तेजी लाने की जिम्मेदारी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को सौंपी थी। आयोग ने इस भर्तियों का कैलेंडर भी जारी कर दिया था, लेकिन करीब 10 भर्तियों के अध्याचन में कमियां सामने आने पर आयोग ने इन्हें लौटा दिया। अब हर 15वें दिन होगी समीक्षा। मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि अब अध्याचनों की हर 15वें दिन में समीक्षा की जाएगी। अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री राधा रतूड़ी को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। अध्याचन समय से भेजे जाएंगे यह सुनिश्चित किया जाएगा। किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आरटीआई दायरे में नहीं आएंगे बड़े उद्योगों को दिए जाने वाले प्रोत्साहन, जाने अनुकूलित पैकेज नीति। प्रदेश में 200 करोड़ से अधिक निवेश वाले उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने निवेशकों को विशेष वित्तीय प्रोत्साहन व सुविधाएं देने के लिए अनुकूलित पैकेज नीति बनाई है। इस नीति के तहत प्रदेश में लगने वाले बड़े उद्योगों की दी जाने वाली प्रोत्साहन व सुविधाओं को सूचना के अधिकार के दायरे से बाहर किया गया है। नई नीति में किस उद्योगों को कितना प्रोत्साहन दिया जाएगा यह पहले से तय नहीं है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित उच्च अधिकार प्राप्त समिति में प्रोत्साहन का फैसला लिया जाएगा। नीति में पैकेज का लाभ देने वाले उद्योगों के लिए शर्तें तय की गई है। उद्योगों को पहले वर्ष में 500 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार देना होगा। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।